यहाँ पर आप घुड़सवारी वगैरह सब बनाया गया है, बहुत ही खूब बच्चों के लिए है। हेलो गाइस, मैं हूँ अमन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सफर छत्तीसगढ़। आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ कोरबा जिले का एक बहुत ही खूबसूरत पिकनिक स्पॉट जल विहार बुका। यहाँ पर बोर्ड लगा है, बोर्ड में लिखा है कि नौका विहार, घुड़सवारी, ऐसे कई सारे एक्टिविटीज़ यहाँ अंदर में कराए जाते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं अंदर, हम लोग रेडी हो चुके हैं। ये हमारा बाइक है, सामने देख सकते हैं ये जल विहार बुका का एंट्रेंस गेट है और गेट में आप देखिए काफ़ी खूबसूरत सा पेंटिंग किया गया है। तो चलिए गाइस ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे चलते हैं अंदर। तो दोस्तों लगभग 3 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम यहाँ तक आए हैं और अंदर जाना है। अंदर जाने से पहले आपको पार्किंग शुल्क देना होगा। पार्किंग शुल्क जो है वो दो पहिया वाहन का 20 रुपये है। और तो ये आप सामने देख सकते हैं, आपको पार्किंग शुल्क देना होगा जिसमें कार, जीप और ऑटो का 50 रुपये है और दो पहिया वाहन का 20 रुपये है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं लिखा है, यहाँ पर आप अपने गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं। हमने पार्क कर दिया है, ये देखिए इधर गाड़ी वगैरह आप पार्क कर सकते हैं। और यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें लगी हुई है और यहाँ आप देख सकते हैं इस वाले रास्ते से जाना होगा। ये पुल जैसा बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत है। फ़ोटोशूट की बात करें तो फ़ोटोशूट के लिए ये लोकेशन बहुत ही अच्छा है, जल विहार बुका। और जैसे आप इस पर चलेंगे तो ये थोड़ा आवाज़ करता है, डर लगेगा आपको, लेकिन ये टूटेगा नहीं, काफ़ी अच्छा सा बनाया गया है। ये अंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अभी अंदर जाने वाले हैं और अंदर पूरा देखने वाले हैं। तो देखिए गाइस यहाँ आप जो भी एक्टिविटी करते हैं उसका टिकट यहाँ पर आपको कटवाना पड़ेगा। टिकट प्राइस मैं आपको दिखा दूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। तो देखिए जल विहार बुका का ये खूबसूरत व्यू पूरा, ये बच्चों के लिए है, काफ़ी खूबसूरत है। ये देखिए यहाँ पर टिकट दर लिखा है, जो भी एक्टिविटी आप करना चाहते हैं, जैसे कि एडवेंचर करना चाहते हैं 5 से 25 साल तक के लोगों के लिए है, वो 50 रुपये फ़ीस है इसका। और वाटर स्पोर्ट रोलर का 50 रुपये है, ट्रम्पो लाइन का 20 रुपये है, बच्चा नाव का 20 रुपये है। और यहाँ पर और भी अगर आप रुकते हैं तो उसका चार्ज यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, रेट लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। और इधर भी कुछ सूचना लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर है टिकट काउंटर, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं जो भी एक्टिविटी करना चाहते हैं उसका। तो अंदर देखिए गाइस काफ़ी खूबसूरत सा माहौल है अंदर में। और घुड़सवारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर घुड़सवारी भी कर सकते हैं, घुड़सवारी। तो देखिए गाइस यहाँ पर आप घुड़सवारी वगैरह भी कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत घोड़ा है वाइट कलर में, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पर है वाइट वाला घोड़ा, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो घुड़सवारी भी आप यहाँ पर कर सकते हैं जल विहार बुका में, काफ़ी खूबसूरत सा लोकेशन है। यहाँ पर लिखा है 20 रुपये मात्र 10 मिनट का, तो ये काफ़ी मस्त बनाया गया है जल विहार बुका में। ये देखिए बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और उधर है रिसॉर्ट जहां आप रुक सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया रिसॉर्ट में, आप रिसॉर्ट का टिकट वगैरह दिखाया कितना प्राइस है क्या है। वहां पर है एक रेस्टोरेंट और ये पूरा गार्डन बनाया गया है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। उधर फ़ोटोशूट के लिए तो बहुत ही प्यारा लोकेशन है। तो चलिए गाइस मैं आपको जल विहार बुका का रिसॉर्ट दिखाने वाला हूँ। ये देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा होगा रिसॉर्ट जल विहार बुका का, काफ़ी खूबसूरत है। और रिसॉर्ट का रेट तो मैंने आपको दिखा ही दिया है,
गाइस ये देखिए, यहाँ पिकनिक मनाने घूमने के लिए आ सकते हैं। पिकनिक मनाने के लिए और घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, बेस्ट लोकेशन है। तो आप पिकनिक मनाने के लिए जल विहार बुका आ सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। बहुत ही अच्छा जगह है। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ का रिसॉर्ट जो है वो काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर आप रुक सकते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लेस है जल विहार बुका। आप आइए घूमने के लिए, यहाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ क्या क्या है घूमने के लिए। कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है। वो आप देख सकते हैं वहाँ पर बोटिंग हो रहा है, नाव चल रहा है। तो गाइस अभी हम लोग नाव में जाने वाले हैं और मेरे साथ है अमितेश भाई, आर्यन भाई, राजा भाई। चलिए चलते हैं, उधर है टिकट काउंटर, टिकट लेते हैं। बोट का है 50 रुपये बोल रहे हैं ना, बोट का 50 रुपये है, नाव का टिकट लेंगे और चलते हैं नाव का सैर कराते हैं आपको। भैया 4 टिकट देना था, हाँ 4 टिकट बोट नाव का। बोट का नाव का नहीं होता सर, वो पूरा बोटिंग का होता है। अच्छा हाँ, उसमें आप एडजस्ट करेंगे तभी होगा और आएंगे तब। अच्छा अच्छा तो गाइस अभी हम लोग बोटिंग करने के लिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि यहाँ जो नाव है वो 10 सीटर का है और हम लोग 4 लोग हैं, इसलिए 10 लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 10 सीटर जो नाव है वो बुक होके चले गया है, उसके लिए करीब 2 घंटों का वेट करना पड़ेगा। और हमारा एक दोस्त है जो कवर्धा से आया है, उसको क्या है जल्दी जाना है रायपुर, इसलिए हम लोगों को जाना पड़ रहा है वापस बिना बोट में घूमे। तो आशा करता हूँ गाइज आपको अच्छा लगा होगा हमारा आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस तरह की और नए नए जगहों की वीडियोज़ मिलती रहेगी। और मैं कोशिश करूँगा अगली बार जब आऊँगा यहाँ तो और भी अच्छे से आपको पूरा एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा, बोटिंग भी करूंगा यहाँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।